अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मोमल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गाइस। तो आज मैं बना रही थी मेथी आलू, सोचा अपने व्यूवर्स के साथ उसकी जो है रेसिपी शेयर कर दूँ। हम लोग बहुत आसान सिंपल से बनाते हैं लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा बनता है। सो इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू जो कि मैंने स्मॉल साइज़ में कटिंग कर लिए। इसके लिए मैंने 1 किलो ली है मेथी और इसके लिए जो है मैंने लहसुन को कुतर दिया है और इसके अलावा मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। मैं इसमें लाल मिर्च का जो है यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ छोटी हरी मिर्ची यूज़ करूँगी और इसके अलावा हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हल्दी की नीड होगी। तो चलो जी बनाने शुरू करते हैं अपना हम दो रेसिपी। ओके सो गाइस, यू नो मैंने एक बाउल में जो है 1 कप जो है ऑयल लिया है। अब इसके अंदर जो है ये मैं लहसुन जो मैंने लिए हैं इनको मैं अच्छे से कड़कड़ा लूँगी। तो इस तरीके से ये सारे लहसुन मैं इसको ऐड कर दूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं इनको पहले गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ अच्छे से। गाइस तो हमारा जो लहसुन है वो ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर ये मेथी है वो मैं सारी ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर मैं सारी ये मेथी ऐड कर दूँगी और माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है और बहुत सिंपल बनता है और बहुत डिलीशियस होता है। और अब इसके अंदर ये जो मैंने पोटैटोस कटिंग करके रखे हैं ये भी डाल दूँगी और ये जो मैंने मिर्ची चली थी ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसके अंदर जो है 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी भी ऐड कर दिया। अब अच्छे से मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो अब इसके अंदर जो है मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। नमक आपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है जितना आप लोग लाइक करते हो। तो मैंने सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब अच्छे से मैं इसको सब चीज़ों को मिक्सअप कर लेती हूँ। अच्छा गाइस, मैं आपको ये बताऊँ, आप लोग जब ये सब्जी बनाओ ना तो इसके अंदर वाटर ऐड मत करना क्योंकि ये मेथी अपना ही पानी छोड़ देगी और ये इसी पानी के अंदर जो है गल जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डालना होता, ऑलरेडी ये अपना पानी जो है मेथी छोड़ देगी ना। तो आप लोग इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करिएगा। तो अच्छे से आप इसको मिक्सअप कर लेंगे इस तरीके से और इट्स अ वेरी सिंपल एंड यम्मी। और आप इसको बनाइएगा, बिल्कुल सारे तरीके से बनती है लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है भुजिया जो है ना। तो इस तरीके से जी मैंने इसको मूवमेंट कर दिया। आप इसके ऊपर मैं ढक्कन ढाप देती हूँ। तो गाइस, तो अब इसको हम चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इसने अपना ही वाटर कितना ज़्यादा छोड़ दिया है सब्जी ने ना, और माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। सो अब हम इसी में इसको गलने के लिए छोड़ देंगे ना, हमने बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करना। मैं अगेन इसको ढक्कन ढाप देती हूँ और मैं इसकी हल्की आंच कर देती हूँ ना, बिल्कुल हमने इसकी हल्की आंच कर लेना है। सो यू कैन सी कि देखो मैंने कितना धीमा आंच कर दिया है, अगर आपको दिख रहा है बिल्कुल मैंने धीमे आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। ओके गाइस, तो चलो जी चेक करते हैं अब। सो यू कैन सी मैं इसको मूव कर देती हूँ, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है और इसको मैं आलू को चेक करती हूँ आलू हुए कि नहीं हुए, फिर उसके बाद इसकी मैं भुनाई कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो मेरी जो मेथी है वो रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और तकरीबन हमारा खाना रेडी हो गया और मैंने इसकी भुनाई भी कर ली है। सो अगर आज की आपको मेरी ये आसान सी मेथी आलू की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलो ताकि आने वाला मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके आसानी के साथ। तो आज इस छोटी सी वीडियो के समय इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।